हाल है गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल मिस्टर एंड मिसेस रिएक्शन। मैं हूँ काजल। तो आज की वीडियो में मैं अकेली हूँ, सिर्फ दीपक नहीं है, तो उनको थोड़ा काम था तो आज इस वीडियो में अवेलेबल नहीं है। तो होप सो इसमें पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना वीडियो पे। होप सो मैं अकेली मैनेज कर लूँ। सो आज का हमारा टॉपिक है द डॉक्यूमेंट्री ऑफ पास्टून। तो ये एक हिस्ट्री के ऊपर वीडियो है, तो देखते इसमें क्या है। डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज्जिज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पठान को अफगान कहते हैं। अफगान इसलिए कहते हैं कि अफगान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम था और उनको जिन्नात की जुबान से प्यार हो गया था। तो उन्होंने अपने वालिद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि आप जिन्नात को कहिए कि मुझे अपनी जुबान सिखाए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की दरख्वास्त कबूल की और जिन्नात को हुक्म दिया कि अफगान को जिन्नात की जुबान सिखाई जाए। वो जुबान बाद में पख्तून के नाम से पहचानी गई। पठान की असलियत और कौमियत के बारे में जो दलायल है वो ये कि पठान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से है और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद है और कौमियत से बनी इसराइल है। अंग्रेज मरखीन लिखते हैं कि पठान कौम अर्जीनिया के एक हिस्से में रहते थे और अर्जीनिया के लोगों का दावा है कि अफगान कौम या पठान हम में से है, क्योंकि अल्बानिया के अफगान जो के बाद में अफगान बने अर्जीनिया से हिंदुस्तान की तरफ चल पड़े। और मुर्खीन लिखते हैं कि इसराइल कबाइल बहुत तकालीफ और मुसीबतों के बाद अफगानिस्तान में आबाद हो गए। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग शुरू की और लोग जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल होने लगे तो उस वक्त पठान कौम का सरदार जिसका नाम कैस अब्दुल रशीद था अपने पूरे खानदान के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर में हाजिर हुआ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करके मुसलमान हो गया। इसलिए दुनिया भर में जहाँ भी पख्तून होंगे वो मुसलमान होंगे। दुनिया में पख्तून ही वाहिद कौम है जिसमें इस्लाम के बगैर कोई मजहब नहीं। अगर पख्तून से पूछा जाए कि आप पहले मुसलमान हैं या पख्तून, तो जवाब होगा कि मैं 5000 साल से पख्तून हूँ और 1400 साल पहले मुसलमान हूँ। अच्छा। दोस्तों अब सवाल ये है कि अफगान कौम को पठान क्यों कहा जाता है। तो जब काफिरों ने मक्का पर कब्जा कर लिया तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो को हुक्म दिया कि जाओ अपने अफगानियों को जिहाद के लिए बुलाओ। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो अफगानिस्तान चले गए और अफगान सरदार कैस अब्दुल रशीद को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम इरसाल किया। कैस अब्दुल रशीद की कयादत में लश्कर मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हुआ। शाम को सहाबा कराम ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी सुनाई कि अफगानी लश्कर ने आते ही काफिरों का कत्लेआम शुरू कर दिया और तमाम काफरों का खात्मा कर दिया और मक्का मुकरमा को अफगानियों ने फतह कर लिया। तो उसी लम्हे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पर ये अल्फाज आए, बतान। खवातीनों हजरात, बतान लफ्ज अरबी जुबान का लफ्ज है, यानी सख्त तरीन लकड़ी जो समंदरी जहाजों में लगाई जाती है जिसे समंदरी पानी भी कमजोर नहीं कर सकता। अच्छा। ये लफ्ज जब बड़े सगीर पहुंचा तो बतान से पठान हो गया। और अगर इनकी तारीख का तकाबरी जायजा लिया जाए तो फारसी में पश्तून, मुकामी जुबान में पख्तून और उर्दू में पठान। ये कौम दुनिया भर में फैली हुई एक गैरतमंद कौम के तौर पर गर्दानी जाती है जिनमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत अव्वल नंबर पर है। दुनिया में पश्तून अपनी वफा और गैरत के नाम से जाने जाते हैं। लफ्ज पश्तून का मतलब होता है गैरत और वफा वाला और अपनी इज्जत और दीन पर मर मिटने वाला। पश्तूनों ने क़याम पाकिस्तान में भी भरपूर हिस्सा लिया। बाज़ मुरखीन के मुताबिक पठान आर्याई या यूनानी नस्ल से है और बाज के नजदीक ये कैस अब्दुल रशीद की औलाद है, जबकि तीसरे नजरिए के मुताबिक इनका ताल्लुक बनी इसराइल के गुमगश्ता कबाइल से है। खुद कैस अब्दुल रशीद की औलाद समझने वालों का नजरिया है कि मक्का में कयाम के दौरान हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो ने अपनी साहिबजादी उनके मुअर्रिस आला के निकाह में दे दी थी जिन्हें वो हमरा लेकर अपने वतन वापस आया और फिर उन्होंने यहाँ अपनी बकिया जिंदगी इस्लाम की तरवीजो इशात में सर्फ कर दी। इसी तरह कैस अब्दुल रशीद की औलाद पठान कहलाती है, जबकि ये भी कहा जाता है कि खुद कैस अब्दुल रशीद का ताल्लुक भी बनी इसराइल के बादशाह साउल यानी हजरत तालूत के 37वें पुश्त से था। इस तरह आखिरी दोनों नजरियात की रोशनी में इनका ताल्लुक बनी इसराइल से ही बनता है। नाज़रीन-ए-किराम सबसे बड़ी अजूबा खेज बात यह है कि इनमें यूसुफ़ज़ई,
यूसुफ के बेटे, दाऊद खेल, दाऊद के बेटे, मूसा खेल, मूसा के बेटे और सुलेमान खेल, सुलेमान के बेटे समझे जाते हैं, लेकिन इसकी तस्दीक करना बहुत मुश्किल है। अफगानों या पठानों के कई औसाफ अरबों से मिलते जुलते हैं। अरब कौम मेहमान नवाज, बहादुर और अहले कलम होने के साथ साथ दूसरी कौमों से इतनी जल्दी मरूब नहीं होती थी। इन चंद औसाफ के अलावा कोई और वसफ अरबों के अंदर जमाना जहलियत में नजर नहीं आता। हैरत की बात यह है कि यही चंद औसाफ अफगान या पठान कौम में भी इसी शिद्दत के साथ पाए जाते हैं, जबकि इनकी बेशतर चीजें यहूदियों से भी मिलती जुलती हैं। नस्ली तौर पर दोनों अपने आप को दुनिया की बेहतरीन कौम तसव्वुर करते हैं। मजहबी तौर पर सख्त हैं और सर पर टोपी रखने का रुझान भी आम है, जबकि इसके अलावा भी कई रस्म व रवाज मुश्तरक हैं। ज़हन में रहे कि पश्तूनों का यहूदियों नस्ल से होना काबिले फखर बात है, ना कि मौजब तौहीन, क्योंकि यहूदियों नस्ल होना तो शायद तब उस कौम के लिए तौहीन का मौजब होता जब वो सैयदुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना लाते। ये तो उनकी गैरत की बुलंदी और ईमान की अजमत का निशान है कि यहूदियों नस्ल होते हुए भी नबी आखिरुज़ ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए, क्योंकि ये वही आखिरी नबी हैं जिनके औसाफ तौरात और इंजील में मज़कूर हैं और जिनकी वजह से ही अहले किताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक निजात दहिंदा के तौर पर भी मुंतजर थे, लेकिन बाद में उन्होंने महज इस जलन और हसद की वजह से हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार किया कि उनका ताल्लुक बनी इसराइल से नहीं था। बनी इसराइल की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का ये इनकार दलायल पर नहीं बल्कि नस्ली मुनाफरत और हसद व अनाद पर मबनी था। तो ये पश्तूनों के लिए काबिले फखर बात है कि ये लोग हजरत मूसा अलैहि सलाम के हवारी भी हैं और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिपाही भी। नाज़रीन, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हाँ, वीडियो काफ़ी अच्छी थी, मुझे भी बहुत अच्छी लगी पर्सनली। मुझे वैसे भी ये ऐसी हिस्टोरिकल स्टोरी सुनने में ना मुझे और ज़्यादा मज़ा आता है ना, मैं पर्सनली बहुत इंटरेस्ट लेती हूँ इन स्टोरीज पे, तो मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगी वीडियो। होप तो आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। तो हमारे चैनल को भी लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कॉमेंट करके बताना कि हमें और कौन सी वीडियो भी बनानी चाहिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय।